हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ऑसम। और मैं नितेश शारदा आपका मेरे इस चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि एक तो आज है साल का लास्ट दिन, 31 दिसंबर 2022। तो आगे आने वाले साल के लिए कल न्यू ईयर है, तो इसलिए आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही सिंपल सा, स्लीक सा मेकअप, तो ताकि जो जितने भी आगे इवेंट्स आएंगे या पार्टी आती है, कहीं आपको जाना होता है तो आप एकदम से पार्लर जाके मेकअप करके नहीं आ सकते। तो एक तो खर्चा बच जाएगा उस चीज़ का जो यहाँ पे मैं मेकअप आपको बताने वाली हूँ, और साथ ही साथ आपको एक ऐसा ब्रांड के जो प्रोडक्ट्स हैं मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो बहुत यूजफुल है, अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल जाएंगे। तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं मैं यहाँ पे आपको शो कर देती हूँ, उसके बाद मैं उस हेल्प से अपना जो मेकअप करूँगी यहाँ पे। आज मेरी वैनिटी में ये प्रोडक्ट्स हैं, तो ये प्रोडक्ट हैं स्विस ब्यूटी के, जो इंडियन ब्रांड है। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइजेस में आपको ये प्रोडक्ट्स रिसीव हो जाएंगे। तो मैं इनसे आज अपना लुक जो है वो क्रिएट करूंगी और आपके साथ शेयर करूंगी। कहीं पे भी आपको पार्टी में जाना हो, कहीं जाना हो, तो आप इससे अपना जो मेकअप है वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो मेरे पास है ये है प्राइमर, स्विस ब्यूटी का प्राइमर मूस फाउंडेशन वेटलेस स्मूथ एंड वेलवेट टच। बहुत ही अच्छी प्यारी सी पैकेजिंग है इसकी, अगर आप देखें बहुत ही प्यारा कलर मिला है मेरी स्किन टोन का। इसमें आपको बहुत से कलर अवेलेबल मिल जाएंगे, सो आप जो अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंग आप अपना कलर ले सकते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे मैं इसकी पैकेजिंग ओपन करती हूँ, तो इसमें से एक स्लीक सी बोतल जो है वो निकल के आती है। तो बहुत ही प्यारी क्यूट सी बोतल है ये, सो आप देख सकते हैं। सो बहुत ही अच्छा अफोर्डेबल, ये मैंने प्राइमर कम फाउंडेशन पहले भी यूज़ किया हुआ है, तो इसकी जो शेड है वो है 03, जो कि मेरी स्किन टोन से मैच करती है। तो इसके साथ आज मैं अपना मेकअप करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपनी स्किन पहले से ही पैक कर रखी है, तो अभी मैं स्टार्ट कर लेती हूँ। तो आपको ये फाउंडेशन उतना ही यूज़ करना है जितनी आपके फेस को रिक्वायरमेंट हो। तो बहुत ही, अगर आप आगे से देखें तो बहुत ही बारीक है, बहुत ही कम प्रोडक्ट वेस्ट भी नहीं होगा अगर आप इसको यूज़ करेंगे। बहुत ही बारीकी से आप इस प्रोडक्ट को ले सकते हैं, उतना ही प्रोडक्ट बाहर आएगा जितना आपको चाहिए। बहुत ही प्यारा इफेक्टिव सा फाउंडेशन प्राइमर है, अलग से प्राइमर लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। सो यहाँ पे जो है इसकी मैं ब्लेंडिंग अपने हाथों से ही करूँगी। तो इसका जो टेक्सचर है अगर मैं बोलूँ तो बहुत ही सॉफ्ट है, स्मूथिंग है। तो प्राइमर कम फाउंडेशन आपको यहाँ पे मिल रहा है, तो क्या कह सकते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल। एक तो आप प्राइमर अलग से लोगे, एक फाउंडेशन अलग से लोगे, तो दोनों का काम एक चीज़ में हो रहा है, तो इससे सस्ता आपको क्या मिलेगा। तो एक तो ये एवरीडे यूज़ के लिए बहुत अच्छा है, और जो इसके टेक्सचर की बात करूँ तो बहुत ही स्मूथ और बहुत ही सॉफ्ट सा जो है, इसको टच करके, इसको अप्लाई करने के बाद स्किन को टच करके काफ़ी सॉफ्ट लग रहा है यहाँ पे। सो बहुत ही प्यारा स्लीक सा जो है फाउंडेशन है ये, एवरीडे यूज़ के लिए बहुत अच्छा है और लाइट वेट, सबसे ज़्यादा लाइट वेटेड है। इसको अप्लाई करने के बाद आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि आपने कुछ अप्लाई किया है। अगर आप देखें मेरी स्किन तो बहुत हैवी कुछ नहीं लग रहा होगा आपको, बहुत ही सिंपल ऐसा लग रहा होगा कि जैसे आपकी रियल स्किन टोन है तो रियल स्किन टोन का यह, बट ये क्या करता है कि आपके जितने भी ब्लेमिशेस वगैरह हैं उनको हाइड करने में हेल्प करता है, और आपके फीचर्स को एनहांस करने की हेल्प करता है, और आपके फेस को हाईलाइट करता है। तो मुझे तो बहुत ही अच्छा फाउंडेशन लगा डेली बेसिस के लिए। जिनको ये फाउंडेशन चाहिए तो वो कहीं भी किसी भी ऑनलाइन साइट पर जाके इसको परचेज कर सकते हैं। तो इसकी मैं प्राइस आपको बता देती हूँ, 449 रुपीज में आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा, स्विस ब्यूटी का। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो सेकंड जो प्रोडक्ट मुझे रिसीव हुआ है वो है स्विस ब्यूटी का सुप्रा कंसीलर प्रोफेशनल मेकअप बेस। तो अगर आप ये देखें तो बहुत ही अच्छा अफोर्डेबल प्राइस में आपको ये कंसीलर मिल जाएगा। तो अगर इसकी पैकेजिंग की बात करूँ तो ये इस टाइप की पैकेजिंग में आता है। सो छोटू सा बहुत क्यूट सी इसकी डब्बी है यहाँ पे। तो ये एक थोड़ा क्रीमी इन टच है, क्रीमी फाउंडेशन की, क्रीमी कंसीलर अगर हम अपने लिड के ऊपर अप्लाई करेंगे तो बड़ी जल्दी ये हमारी स्किन के ऊपर अप्लाई हो जाता है। तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा ये क्रीमी जो इसका टेक्स्चर है। तो आई लिड के जिनको डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम है, या फिर जिन्होंने अपने फेस को हाईलाइट करना है, कॉन्टोर करना है, तो ये इसके साथ जा सकते हैं, गो फॉर इट, बहुत ही अच्छा है। और ये आपको सिर्फ 99 या किसी किसी साइट में 94 रुपीज़ में भी अवेलेबल मिल जाएगा। तो अगर मैं लगा के इसको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं इसकी बहुत ही क्रीमी है और फुल कवरेज देता है। सो यहाँ यहाँ मुझे डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम है वहाँ पे मैं इसको अप्लाई कर लूँगी, बहुत अच्छे से फिंगर की हेल्प से ही ब्लेंड करूँगी इसको मैं, बहुत अच्छे से ब्लेंडिंग हो जाती है, फुल कवरेज देता है, और साथ ही साथ बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि आपके अंडर
डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम है, बहुत ही आपकी स्किन टोन से बहुत अच्छा मैच कर जाएगा ये। और अगर आप देखें, एक इसका जो क्रीमी टच है इतना अच्छा है, ये आपकी स्किन टोन के साथ बहुत अच्छे से जाएगा। यहाँ पे आपको दाग धब्बों की प्रॉब्लम है, वहाँ पे भी ये बहुत अच्छा वर्क करता है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये कंसीलर, आई लव दिस, यू कैन सी द डिफरेंस, राइट? तो ये अभी सेट होगा तो इसलिए आपको लग रहा होगा कि ज़्यादा वाइट हो गया है। सो ये हमारी स्किन टोन से बहुत अच्छे से मैच करेगा यहाँ पे, अगर आप देखेंगे। बाकी जो है इसको आप एज ए हाईलाइटर, जो पॉइंट आपने हाईलाइट करने हैं उन पे भी लगा सकते हैं। तो जो प्रोडक्ट आपकी फिंगर पे बच जाता है वो आप अपने हाईलाइटेड पॉइंट्स के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। आप अगर देखें तो बहुत ही स्मूथ डिफरेंस देख सकते हैं आप। यहाँ के जो डार्क सर्कल्स हैं इसने एक बार एक एप्लीकेटर से हाइड कर दिए हैं। कितना ही अच्छा रिजल्ट है इसका। अगर मैं आपको पास से दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कितना ही प्यारा इसने कवर अप किया है। तो ये 3-in-1 है 99 रुपीज़ में, और क्या चाहिए। हाईलाइटर मिल रहा है आपको, साथ ही साथ आपको कंसीलर मिल रहा है, साथ ही साथ जितने भी आपके ब्लेमिशेज हैं, जितने भी जिद्दी दाग धब्बे हैं जो कभी नहीं जाएंगे आपकी स्किन से, तो वो भी ये उनको भी हाइड करने का काम करता है। तो यहाँ मैं दूसरी लिड के ऊपर भी अप्लाई कर लूंगी, अंडर आई पे भी अप्लाई कर लूंगी, जहाँ मुझे दाग धब्बों की लाइट लाइट सी प्रॉब्लम है वहाँ पे भी अप्लाई कर लूंगी उनको हाइड करने के लिए। फिंगर की हेल्प से इसको मैं ब्लेंड कर लूंगी अच्छे से। और जो इसका क्रीमी टच है वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है जैसे हमने कुछ हैवी लगाया है। दिखने में बहुत लाइट वेट है और लगाने में भी बहुत लाइट वेटेड है। आपकी स्किन टोन में बिल्कुल ऐसे सेट हो जाएगा जैसे आपने अपनी स्किन के ऊपर कुछ भी अप्लाई नहीं किया है। आई लव दिस कंसीलर, हाईलाइटर, कॉन्टोर। सो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो ये मेरी वैनिटी में हमेशा रहने वाला है। और जो मैंने इससे पहले फाउंडेशन अप्लाई किया है वो भी मेरी वैनिटी में रहने वाला है, क्योंकि वो फाउंडेशन भी मुझे बहुत पसंद है अपनी स्किन के ऊपर। तो बहुत ही प्राइमर कम फाउंडेशन है, तो ये भी बहुत अच्छा है। तो डेफिनेटली गो फॉर इट, तो बहुत ही इफेक्टिव है ये। इसको मैं अच्छे से अभी सेट कर लूँगी डैब डैब करके फिंगर्स की हेल्प से ही। यहाँ मुझे दाग धब्बों की प्रॉब्लम थी, हल्के हल्के से, ज़्यादा से दाग नहीं है मेरे फेस पे, हल्के हल्के से जो बिल्कुल कम नज़र आते हैं ना मात्र से, तो उनको भी अच्छे से इन्होंने छिपा दिया है। तो आप देख सकते हैं तो कंसील कितना अच्छा किया है। मेरे जितने भी डार्क सर्कल्स दिखाई देते थे तो कंसीलर की हेल्प से वो यहाँ पे हाइड हो चुके हैं। तो ये कंसीलर अप्लाई करने के बाद आपको ऊपर से फाउंडेशन लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे। तो इतना अच्छा कंसीलर है ये। तो अपने पॉइंट्स को हाईलाइट करने के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आई लव दिस कंसीलर। सो आगे बारी आती है हमारी आई मेकअप की। तो आई मेकअप के लिए यहाँ पे मैं स्विस ब्यूटी का प्रोफेशनल आई शेडो लूंगी यहाँ पे। अगर आप इसकी पैकेजिंग देखें तो बहुत ही क्यूट स्लीक सी है, एक सिंगल हैंडेड आई शेडो है। क्या होता है जब हम आई शेडो पैलेट खरीदने जाते हैं कहीं से, वहाँ पे बहुत सी ऑप्शन होती हैं, कलर्स बहुत से होते हैं, बट एक आधा कलर ऐसा होता है जो हमें सेम आई शेडो पैलेट में नहीं मिल पाता, जो सेम कलर जो हम चाहते हैं एक आई शेडो पैलेट में नहीं मिल पाते। तो आप एक आई शेडो सिंगल हैंडेड भी ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे स्विस ब्यूटी की मैं रॉयल ब्लू कलर की आई शेडो पैलेट ले रही हूँ। तो आप देख सकते हैं 08 रॉयल ब्लू इसका कोड है। तो आप देख सकते हैं टेक्सचर, इसका टेक्सचर और कलर आप देख सकते हैं कितना प्यारा है। अगर मैं ओपन करके दिखाऊं तो आप सी द कलर, बहुत ही प्यारा है। और ये एप्लीकेटर पे बहुत अच्छा, ये देखिए, तो यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा होगा तो मैं इस वाले हाथ पे अप्लाई करके दिखाती हूँ, सी द कलर। और जो इसमें थोड़ा सा शिमरी इफेक्ट है बहुत अच्छा है, हमारी स्किन पे बहुत अच्छा लगेगा। स्मोकी आइज जिनको चाहिए, स्मोकी आइज जो होती हैं वो किसी भी आउटफिट पे चली जाती हैं। स्मोकी आइज के लिए रॉयल ब्लू कलर का जो आई शेडो है वो होना ही चाहिए। आप और आपको कोई और चाहिए कलर तो आप वो भी सिंगल हैंडेड स्विस ब्यूटी का प्रोफेशनल आई शेडो ले सकते हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और आपको एक आई शेडो कहीं लेके जाना हो तो आप कहीं लेके भी जा सकते हैं। तो जल्दी से मैं इसको अप्लाई कर लेती हूँ अपनी लिड के ऊपर। फिंगर की हेल्प से ही इसको मैं अप्लाई करूंगी। हल्का हल्का सा मैं यहाँ इसको डैब डैब करके अप्लाई करूंगी। बहुत ही प्यारा और पिगमेंटेड इतना है कि आप हल्की सी देखिए, मैंने सिर्फ डैब डैब किया और कितना कलर आपकी फिंगर के ऊपर आ गया। तो आपने अपनी आई लिड के ऊपर जितना आपको चाहिए आपने ये कलर अप्लाई कर लेना है। स्मोकी आई शेडो हमने स्मोकी आईज करनी है यहाँ पे। तो उसके लिए हमें काजल की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले मैं ये ब्लू कलर का, रॉयल ब्लू कलर का आई शेडो अपनी लिड के ऊपर अप्लाई कर लेती हूँ अच्छे से। यू कैन सी कितना पिगमेंटेड है। और आपका जो प्रोडक्ट है वो वेस्ट भी नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि बहुत ही कम प्रोडक्ट से आपका जो काम हो रहा है यहाँ पे, बहुत ही लाइट वेटेड प्रोडक्ट है।
इनको लगाने के बाद ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि मैंने कुछ अपने फेस के ऊपर, अपनी आईज़ के ऊपर कुछ अप्लाई किया है। सो ये मैंने यहाँ पे ब्लू रॉयल ब्लू कलर स्विस ब्यूटी का प्रोफेशनल आई शेडो यहाँ पे अप्लाई कर लिया है। सो अभी इसको मैं ब्लेंड करूँगी विद द हेल्प ऑफ काजल पेंसिल। सो काजल पेंसिल की हेल्प से हमने यहाँ पे आईलिड के ऊपर भी हल्का हल्का सा काजल लगा लेना है ताकि हम स्मोकी आईज यहाँ पे बना सकें। आप ऐसे रखना चाहो तो ऐसे भी रख सकते हैं इसको, बट अगर आप स्मोकी आईज चाहते हैं, स्मोकी आईज का क्या है कि ये किसी भी ड्रेस के साथ, आउटफिट के साथ चली जाती है, बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा इसका। सो इसको यहाँ पे अभी मैं ब्रश की हेल्प से ब्लेंड करूँगी क्योंकि काजल है तो कहीं और ना लग जाए। सो इसको अच्छे से हम यहाँ पे करेंगे ब्लेंड विद द हेल्प ऑफ ब्रश। सो ब्लेंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैं पहले भी बोलती हूँ अपनी वीडियोस में, ब्लेंडिंग जितनी अच्छी होगी उतना मेकअप जो है आपका उतना सुंदर निकल के आएगा। तो जो हमने काजल अप्लाई किया है अपनी लिड के ऊपर, तो हमने उसको अच्छे से फैला लेना है। सो दूसरी तरफ भी मैं सेम कर लूँगी। ये रॉयल ब्लू कलर जो है, ये आपका एक बहुत ही ब्लैक के साथ मिक्स एंड मैच करके बहुत ही प्यारा स्मोकी सा लुक देता है। ब्लू के साथ ब्लैक जब मिक्स होता है तो एक ग्रे सा इफेक्ट आता है आपकी आईज़ का, जैसे स्मोक का होता है। तो इसलिए स्मोकी आईज़ के लिए आपके पास रॉयल ब्लू कलर तो होना ही चाहिए। सो यू कैन सी माई आईज़, कितना प्यारा आई शेडो जो है वो अप्लाई हुआ है। तो अभी इसको मैं बाइंड अप कर लूँगी विद द हेल्प ऑफ लाइनर। सो यहाँ पे मैं लाइनर की हेल्प से इसका सेंटर से स्टार्ट करते हुए, आपने जितना विंग चाहिए आप उतना बना सकते हैं। लाइनर लगाने से एक बहुत अच्छा फिनिश आता है आपकी आईज में। सो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने बहुत बारीक सा जो है वो लाइनर यहाँ पे अप्लाई किया है। तो दूसरी तरफ भी मैं लाइनर अप्लाई कर लूँगी हल्का हल्का सा सेंटर से स्टार्ट करते हुए, एक विंग सा बना लूंगी। जितना बारीक आप लाइनर अप्लाई करेंगे उतनी सुंदर आपकी जो आईज है वो लगेगी। जिनकी हुडेड आईज है, जिनकी हुडेड आईज है उनको तो बारीक लाइनर ही अप्लाई करना चाहिए डेली बेसिस के ऊपर। सो आप देख सकते हैं बहुत बारीक सा लाइनर जो है यहाँ पे लग चुका है। आप मेरी आई शेडो देख सकते हैं कितनी सुंदर लगी है। तो स्विस ब्यूटी का ये जो ब्रांड है, मुझे बहुत अच्छा लगा। सिंगल आई शेडो मिल रही है इसमें, और क्या चाहिए। सो बहुत ही प्यारा कलर है। तो साथ ही साथ मैं लोअर लैश के ऊपर भी जल्दी से लाइनर अप्लाई कर लेती हूँ ताकि जो मेरी लुक है आईज की वो अच्छे से निकल के आए। मैं लोअर लैश के ऊपर अपना जो काज लाइनर है वो अप्लाई ज़्यादा करती हूँ क्योंकि जो मेरी आईज़ हैं वो वाटरी हैं, तो जिस वजह से काजल फैलने के चांसेस होते हैं। तो इससे लाइनर अप्लाई करने से काजल जो फैलता नहीं है। यू कैन सी, अगर मैं पास से आपको दिखाऊं तो आप मेरी आईज देख सकते हैं कितना प्यारा स्मोकी सा जो लुक है वो एक आई शेडो की हेल्प से यहाँ पे क्रिएट हुआ है। तो आप ये आई शेडो भी ले सकते हैं स्विस ब्यूटी की। ये आपको पड़ेगी 199 रुपीज़ में। सो अफोर्डेबल है, आप ये कैरी भी कर सकते हैं कहीं बाहर जा रहे हैं, आपको ज़्यादा आई शेडो पैलेट उठाने की ज़रूरत नहीं है। सो आप एक आई शेडो लेके भी कहीं पे जा सकते हैं जो जिसकी आपको ज़रूरत महसूस होती है। तो नेक्स्ट हम आते हैं लिपस्टिक के ऊपर। सो उससे पहले ये मैं ले रही हूँ स्विस ब्यूटी का ही जो है लिप लाइनर, बॉबी ब्राउन है ये L09। सो ये जो है लिप्स के लिए, ये देखिए मैं जो आपको मेकअप यहाँ पे करके दिखा रही हूँ वो एक ब्रांड के जितने भी प्रोडक्ट हैं उनसे कर रही हूँ। सो ये जो प्रोडक्ट हैं बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको आसानी से कहीं पे भी मिल जाएंगे। तो गो फॉर इट, जिनका बजट इतना नहीं होता कि हम इतने महंगे प्रोडक्ट नहीं ले सकते, तो ये बजट के अंदर हैं तो आप ले सकते हैं। तो जैसे कि मैं आपको साथ ही साथ बता रही हूँ, सो लिप लाइनर की हेल्प से यहाँ पे मैं अपने लिप्स को शेप दूंगी। लिप लाइनर यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्या है आपके लिप्स की जो शेप है वो अच्छे से निकल के आती है और जो लिपस्टिक है वो बाहर भी फैलती नहीं है। जो भी बिगनर्स हैं
जिन्हें लिपस्टिक लगाना बहुत अच्छा लगता है तो वो विद द हेल्प ऑफ लिप लाइनर ही अपनी जो लिपस्टिक है वो अप्लाई करें। यहाँ पे मैंने लिप लाइनर की हेल्प से लिप्स को कर लिया है डन। तो स्विस ब्यूटी के लिप लाइनर के बाद यहाँ पे मैं ले रही हूँ स्विस ब्यूटी की प्रोफेशनल मेकअप स्नैपशॉट 3D सिल्क मैट लिपस्टिक। तो इसकी पैकेजिंग आप देख सकते हैं कितनी क्यूट सी पैकेजिंग है, मुझे बहुत ही अच्छी लगी। रॉयल सा लुक है इसका, अगर आप पास से देखें। ये जो ब्रांड है आई लव दिस ब्रांड, जो इसकी लिपस्टिक है बहुत ही अमेजिंग है। तो ये है 04 चेरी डार्लिंग, तो इसका जो शेड है वो 04 चेरी डार्लिंग है। ये किसी भी स्किन टोन वालों के ऊपर अच्छा लगता है, ये जो कलर है। तो आई लव दिस कलर। और इसके अंदर से अगर हम पैकेजिंग की बात करें तो आप देख सकते हैं बहुत ही क्यूट सी पैकेजिंग है। ये कवर मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि इसमें लगा हुआ है मैग्नेट, यू कैन सी। ये मैग्नेट बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये। जो हमारी लिपस्टिक कभी गिर जाती है या फिर वेस्ट हो जाती है तो क्या होता है, कवर खुल जाता है, पड़े पड़े पर्स में रखो कहीं रखो, तो इस मैग्नेट की हेल्प से जो हमारी लिपस्टिक का प्रोडक्ट है वो सेफ रहेगा। और इसका जो कलर है, लुक एट द कलर, बहुत ही प्यारा कलर है। अगर आप देखें, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो ये किसी भी स्किन टोन के साथ जा सकता है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अभी मैं इसको अपने लिप्स के ऊपर फिल कर लूँगी। यू कैन सी कितनी पिगमेंटेड लिपस्टिक है ये। बहुत ही प्यारा कलर है, आई लव दिस लिपस्टिक, गो फॉर इट गाइज। बहुत ही अच्छी लिपस्टिक है, किसी भी स्किन टोन के ऊपर ये अच्छे से जा सकती है। तो इसकी जो पैकेजिंग है बेस्ट है, तो आपकी जो लिपस्टिक है वो कहीं नहीं जाएगी। तो गो फॉर इट दिस लिपस्टिक, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको ये मिल जाएगी। और इतनी मैट फिनिश है कि क्या बताऊँ, मुझे बहुत अच्छी लगी। तो इसका जो प्राइस है वो है 549 रुपीज़। 549 रुपीज़ में इतनी अच्छी लिपस्टिक आपको मिल रही है। बहुत ही प्यारी लिपस्टिक है, तो ये काफ़ी टाइम तक स्टे करेगी, 24 आवर्स स्टे रहती है, क्योंकि मैंने ये पहले भी लगा के देखी थी ताकि मैं इसकी टेस्टिंग कर सकूँ। बहुत ही अच्छी लिपस्टिक है, गो फॉर इट गाइस। आपको जो कलर अच्छा लगता हो आप वो ले सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट है सारे स्विस ब्यूटी के। तो यहाँ पे मैं हल्का हल्का सा ब्रॉन्ज कर लूंगी अपने फेस को, फिर इसको हम अच्छे से कर लेंगे ब्लेंड। ब्रॉन्जर की हेल्प से आपका 2 in 1 काम हो जाता है, आपको ब्लशर अप्लाई करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। यू कैन सी सो अच्छे से ये हमने अपने फेस के ऊपर अप्लाई कर लिया है। तो थोड़ा सा मैं नोज के ऊपर लगा लूंगी ताकि एक नेचुरल सा जो लुक है वो क्रिएट हो सके। यहाँ पे थोड़ा सा मैं चिन पे भी अप्लाई करना पसंद करती हूँ क्योंकि फेस का जो हाइलाइटेड पॉइंट्स है बहुत अच्छे से हाईलाइट हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो मेरा मेकअप है वो हो चुका है डन। तो आप मेरा लुक देख सकते हैं, कितना ही प्यारा सुंदर सा जो लुक है वो यहाँ पे क्रिएट हुआ है। यहाँ पे मैंने रॉयल ब्लू कलर की बिंदी के साथ अपने मेकअप को कर लिया है सेट। आप मेरा लुक देख सकते हैं। बहुत ही कम प्रोडक्ट के साथ मैंने ये लुक क्रिएट किया है, ये स्मोकी आई मेकअप लुक। तो आप ये मेकअप लुक आप कहीं पे भी लेके जा सकते हैं, जैसे कि पार्टी में जा रहे हो कहीं, आप कोई कोई फंक्शन ऐसा होता है जहाँ इमरजेंसी में जाना पड़ता है, तो आप तुरंत से ये मेकअप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्विस ब्यूटी प्रोडक्ट्स। तो बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट हैं, अफोर्डेबल प्राइस में आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएंगे। तो और क्या चाहिए। अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब टू अवर चैनल, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि आगे आने वाली और वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और ट्यूटोरियल के साथ, मे बी स्किन केयर, मे बी मेकअप ट्यूटोरियल। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।